नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआर टेक यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे कि आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो 17th इंस्टॉलमेंट यानी कि 17वीं किस्त जो कि जारी होने वाली थी, उसका यहाँ पर क्या समय रहेगा, कब वो जारी की जाएगी और आपको किस प्रकार से देखना है कि आपका यहाँ पर सब कुछ सही है या नहीं सही है। देखिये, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यभार संभाला है तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो फाइल है उस पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो फाइल होती है उस पर अपना सिग्नेचर करके ये बताया है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ है वो हर किसान को मिलता रहेगा। पहले जो था वो कुछ कम किसानों को यहाँ पर पैसा मिलता था, इस बार संख्या भी बढ़ाई गई और ज्यादा लोगों को यहाँ पर इसका पैसा दिया जाएगा। जो भी इसके लिए लाभार्थी है, इस बार लगभग कोशिश की गई है कि कोई भी ना छूट पाए। तो जैसे कि हम यहाँ पर इनके पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के यहाँ पर एक्स अकाउंट पर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर बताया गया कि जो आपकी 17वीं किस्त थी वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18 जून को यहाँ पर वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके खाते में भेजी जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे लगभग 9.3 करोड़ किसानों को इसका लगभग लाभ मिलेगा, इसमें कि आपको लगभग 20,000 करोड़ की राशि टोटल यहाँ पर दी जानी है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अपडेट मिला है आपको कि आपकी जो किस्त है वो 18 जून को आने वाली है, जो कि आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी रिमोट दबाकर ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें आप मान के चलिए आपकी 18 जून को जो किस्त आने वाली है, ये आपकी ट्रांसफर तो सुबह ही दिन में ही हो जाएगी 11 बजे के समथिंग, लेकिन आपको ये अकाउंट में आने में कुछ लोगों को पहले आ जाती है, कुछ लोगों को बाद में आती है। तो आप लोग यहाँ पर वेट करिएगा, आपकी यहाँ पर जो किस्त है वो लगभग शाम तक आपके खाते में आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले अभी समय है कुछ, यहाँ पर लगभग 4 दिन का समय मिलता है आपको, तो ये तब तक आपको क्या करना है, आपको अपना अकाउंट पीएम किसान पर आएंगे, यहाँ पर आपको अपना स्टेटस देखना है कि आपका यहाँ पर जो अकाउंट है उसमें कोई भी कमी ना हो, जैसे कि उस पर KYC लगा होना चाहिए, आपका लैंड सीडिंग वगैरह सब कुछ होना चाहिए और आपके बैंक खाते में भी आपका आधार लगा हो और DBT भी इनेबल होना चाहिए। ये सब आपको किस प्रकार से देखना है, इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें सब कुछ बताया था। बाकी आज ही हमारे चैनल पर एक और वीडियो इससे रिलेटेड आने वाला है, जिसमें आप अपना कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे पीएम किसान पोर्टल पर और वहां पर आप अपना पूरा स्टेटस देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर सब कुछ सही है या नहीं सही है। अगर वहां पर कोई भी इशू होगा, जैसे कि हम समझाएंगे, तो उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आपकी किस्त आ पाए। बाकी यहाँ पर DBT के लिए भी हम आपको बताएंगे कि आप अपनी DBT भी घर बैठे ही देख सकते हैं, तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है चैनल पर, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि वो वीडियो मिस ना हो। उस वीडियो को फॉलो करके आप भी एक बार अपना स्टेटस जरूर से देख लीजिएगा जिससे कि जो 17वीं किस्त आने वाली है उसमें आपको कोई भी समस्या या प्रॉब्लम ना हो पाए। तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर खुशखबरी है हमारे किसान भाइयों के लिए कि उनकी जो किस्त है 18 तारीख को आने वाली है। मेक श्योर करिएगा कि आपका यहाँ पर जो भी अकाउंट है बिल्कुल सही है। जो वीडियो आने वाला है उसे आप जरूर से फॉलो करिएगा, एक बार 2 मिनट का समय निकाल के उसे जरूर देखिएगा, उसमें जो भी स्टेप बताएंगे उनको फॉलो करके अपना एक बार अकाउंट जरूर से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी शानदार वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।